हे एवरीवन, मैं हूं जीशान शेख। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज अपने सामने खड़ी है 2024 वाली न्यू इग्निस, यानी कि अब जो इग्निस आ रही है फिलहाल में यही आ रही है। इसमें कोई चेंजेस वगैरह देखने के लिए हमें नहीं मिलेंगे। और ये जो वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है ये वेरिएंट है डेल्टा, यानी कि बेस से एक मॉडल जो है ये ऊपर का है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऑफर की गई हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं, इसके बारे में जो है आज हम बात करेंगे। और इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें 6.38 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इसका प्राइस रहने वाला है। इतने पैसे खर्च करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स वगैरह इस गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगे, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इस गाड़ी में हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी सेकंड बेस मॉडल में। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट की इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो है हमें इसका वही टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा, और वही हेलोजन अपनी पीली वाली लाइट इसमें देखने के लिए मिलेगी। और ये रफ ब्लैक में थोड़ा सा डिज़ाइन दे देगा जो कि अच्छा है। और इस मॉडल में कोई भी फॉग लैंप देखने के लिए नहीं मिलते। ये बेस ओपल का वेरिएंट है, बट फिर भी इसमें कोई भी हमें फॉग लैंप वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी ग्रिल की। ग्रिल इसकी रफ ब्लैक और ये क्रोम का डिज़ाइन इसमें रहने वाला है, जो कि अच्छा लग रहा है गाड़ी के लुक के हिसाब से। और बीच में अपना सुजुकी का लोगो, ठीक है। ग्रिल हो गई ये, अब आ जाते हैं इसके नीचे। स्किल प्लेट जो है इसकी ये रहने वाली है सिल्वर कलर में। सिल्वर कलर जो है इसमें रहने वाला है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ओवरऑल गाड़ी का लुक अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात गाड़ी में नहीं है। फ्रंट लुक अच्छा है। अब आ जाते हैं कि साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ, साइड प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं इसके इंडिकेटर की। ये साइड मिरर में ही इंडिकेटर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ रहने वाली है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसके टायर साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ, टायर साइज़ हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा 175/65R15, यानी कि 15 इंच का हमें इसमें टायर साइज़ देखने के लिए मिलेगा, जो कि स्टील रिम ऑफर किए गए हैं इस वाले वेरिएंट में। इसमें हमें कोई भी अलॉय वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। साइड प्रोफाइल की बात हो गई, ये साइड से कुछ गाड़ी ऐसे रहने वाली है। फ्रंट में हमें इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे, और रियर में जो है हमें इसमें वही ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। लेंथ की अगर मैं गाड़ी की बात करूं, लेंथ रहेगी 3700 mm, विथ की अगर बात करूं 1690 mm, हाइट गाड़ी की 1595 mm रहने वाली है। व्हील बेस 2435 mm रहेगा। वेट गाड़ी का वही 840 से 865 किलो के आसपास रहने वाला है। फाइव डोर गाड़ी ये रहती ही है। चलते हैं इसके बूट स्पेस में, देखते हैं बूट पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इसका बूट ओपन कर लेते हैं, इसका की से ओपन कर लेता हूँ। बूट स्पेस इसमें देखने के लिए मिलेगा 260 लीटर का जो है हमें इसमें बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा, जो कि ठीक है। देखिए कवर वगैरह भी पड़ा हुआ है, काफ़ी जो है बूट स्पेस इसमें गाड़ी में देखने के लिए हमें मिलेगा। और ये ट्रे कंपनी की तरफ से ही ऑफर की जाती है, ठीक है। और ये कुछ डिग्गी इसकी बैक से गाड़ी कुछ ऐसी रहने वाली है, कोई भी कैमरा वगैरह इस मॉडल में नहीं देखने के लिए मिलेगा। चार सेंसर इसमें देखने के लिए मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, चार रियर सेंसर इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ रहने वाली। यहाँ अपने इग्निस की ब्रांडिंग और सुजुकी का लोगो, ये अपना नेक्सा, क्योंकि नेक्सा की है। लेकिन इस गाड़ी में कोई भी हमें डिफोगर देखने के लिए नहीं मिलता, वैसे देना चाहिए यार कंपनी को, चलो कोई नहीं दिया तो। और ये अपना स्टॉप लैंप और ये अपना स्पॉइलर भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ रहने वाली है। स्पॉइलर भी हमें इसमें इस वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा, ये एक अच्छी चीज़ है। और अपना ये एंटीना वही स्वादा वाला देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी के अंदर हमें। और ये रूफ रेल भी कंपनी से ही गाड़ी के अंदर आती हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऐसी कुछ लाइटें गाड़ी की रहने वाली हैं, ठीक है। बट इसका थोड़ा ना पीछे से लुक थोड़ा ऐसा लगता है जैसे गाड़ी पीछे से किसी ने ठोक दी हो, बस इसी लुक की वजह से शायद गाड़ी ये ज़्यादा नहीं बिक पाती है। अब आ जाते हैं इसकी फ्यूल टैंक की तरफ। फ्यूल टैंक जो है इसमें पेट्रोल में ही गाड़ी रहने वाली है, इसे पेट्रोल में ही आती है। सीएनजी वगैरह इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। 32 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि ठीक है गाड़ी के हिसाब से। और छोटी एसयूवी भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है जी। ये तो हो गई गाड़ी की रियल, ये होगी गाड़ी की पूरी बातचीत, गाड़ी आगे पीछे से कैसी रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें बाहर से हमें गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगी, इसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और करते हैं अंदर की बात, अंदर गाड़ी में क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये वही की ब्रेजा वगैरह सुजुकी की, ये की तो कभी नहीं बदलने वाली, सभी गाड़ियों में यही देखने के लिए मिलेगी।
चलिए चाबी लगा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के डोर की। डोर में हमें क्या क्या देखने के लिए, सबसे पहले देखिए एक ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें अपना यहाँ से पकड़ सकते हैं हम, ठीक है जी। कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह यहाँ नहीं देखने के लिए हमें मिलेगा। और ये अपने शीशे उतारने चढ़ाने के मिरर कंट्रोल यहाँ मिल जाएंगे हमें, ये लॉक अनलॉक, ये मिरर रोक करने के लिए ताकि कोई शीशा ना उतारे, ठीक है। ये मिरर सेट करने के लिए होता है, और फोल्ड अनफोल्ड आपको ऐसे हाथ से ही करने पड़ेंगे, मिरर फोल्ड करने का इसमें कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिलता, मिरर का नहीं मिलता बस, और सारे कंट्रोल यहाँ हमें दिए गए हैं। चलिए चलते हैं गाड़ी की सीट की तरफ। सीट भी गाड़ी की कंफर्टेबल रहने वाली है, स्टेबल हेडरेस्ट भी जो है इस गाड़ी में हमें मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और सीट यहाँ से अपना ऐसे कर सकते हो आप, वो चीज़ नहीं है ऊपर नीचे करने वाली, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो, ये वही सब चीज़ गाड़ियों में रहती है मारुति की में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये आ गए जी गाड़ी के हम अंदर, ये कुछ डोर रहने वाला है, ये स्पीकर। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। स्टेयरिंग की बात करूँ, सिर्फ हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, खींचने का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर कोई भी, बस ऊपर नीचे हम इसे कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, ये भी चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कुछ इसका स्टीरियो ऐसा मिलता है हमें देखने के लिए, जो कि कंपनी से ही मिलता है, ठीक है जी। और ये कुछ इसका ये रहने वाला है इंटीरियर वगैरह गाड़ी का, ये छोटी सी जगह हमें देखने के लिए मिलती है इसके अंदर। और ये एसी वेंट इसके, ओहो। और ये गोल गोल से गाड़ी कुछ यही रहने वाली है अंदर से, ये अपनी कुछ गियर नॉब ऐसी रहेगी। यहाँ पे USB ऑक्स का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे अपना ये लगी हुई है इसमें, ठीक है, 12 वोल्ट 120 वोल्ट का यहाँ सॉकेट दिया गया है, ये अपना AC कंट्रोल करने के लिए। ये AC के होते हैं, ठीक है जी। ये हजार्ड का ऑप्शन यहाँ दिया गया है इसके अंदर। और स्टेयरिंग में कुछ बटन दिए गए हैं यहाँ पर, म्यूजिक प्लेयर अपना कंट्रोल करने के लिए यहाँ कुछ बटन दिए गए हैं, ठीक है जी। ये कॉल उठाने का, ब्लूटूथ वगैरह का दिया गया है। और ये इसका कुछ क्या बोलते हैं, ये भी बहुत प्यारी जो है लग रही है, 16 की एवरेज गाड़ी दिखा रही है। और ये कुछ इसकी ये देखिए, ओ बेटे RPM देखिए इसकी, RPM भी इसका अच्छा है, मीटर वगैरह भी गाड़ी का सब चीज़ अच्छी है। और ये आ गया इसका टिकट होल्डर, ठीक है जी। यहाँ पे एक छोटा सा मिरर दिख जाता है अपना, लेडीज़ वगैरह मेकअप वगैरह करती हैं उनके लिए काम आता है। और ये अपना वही पीली वाली लाइट हमें छत में देखने के लिए मिलती है। और ये अपना मिरर सेट कर लो पीछे देखने के लिए, ठीक है जी। आगे से तो गाड़ी कुछ यही रहने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे, पीछे गाड़ी में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब आ जाते हैं गाड़ी की बैक साइड में, आगे से गाड़ी बंद कर देता हूँ, बैक साइड में आ जाते हैं गाड़ी के। सबसे पहले अपना यही शीशा उतारने चढ़ाने का सिस्टम, ये एक अच्छी चीज़ है गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी रहने वाली है, ठीक है जी। और पूरा एरिया अपना यहाँ से दिखता है बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती। पीछे से गाड़ी ये है, ये कंपनी से आता है। हैंड रेस्ट जो है इसके मिलते हैं हमें, हेड रेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, ये हटाए हुए हैं इस गाड़ी के, ठीक है जी। और ये सीट आप ऐसे लिटा भी सकते हो और यहाँ से लगा भी सकते हो, ठीक है जी। ये हो गई पीछे की बात, और अंदर से कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है, ठीक है। अब आ चलते हैं इसके इंजन की तरफ जी। ये आ गया इग्निस का इंजन, इंजन की बात करूँ VVT का, इसमें जो है हमें इंजन VVT का इंजन हमें इसमें देखने के लिए मिलता है, जो कि 1197 cc का इंजन रहने वाला है। 81.80 BHP की जो है पावर निकालता है, 6000 RPM मैक्स टॉर्क की अगर बात करूँ 113 Nm का टॉर्क ये निकालता है। 4 सिलेंडर इंजन इसका रहने वाला है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आती है, 5 स्पीड गियर के साथ ये गाड़ी, ठीक है जी। ये हो गई कुछ इसकी इंजन की बात, जो कि पावर वगैरह गाड़ी के हिसाब से ठीक है। तो ये बस आज की वीडियो के लिए यही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी एवरेज 20 से 22 का कंपनी क्लेम करती है, और लोकल में 16-17 का आराम से निकाल देती है।